दोस्तों, मैं लालू मोशे पब्लिक चैनल से। दोस्तों, आज मुमरा कौसा के अंदर जैसे कि बताया गया था कि 10 तारीख से कार्रवाई चालू होगी, तो उसी तारीख को लेके आज 10 तारीख है। और 10 तारीख को मुमरा कौसा के अंदर जो एक बॉम्बे कॉलोनी आता है, बॉम्बे कॉलोनी के अंदर म्यूनसिपालिटी ने एक टीएमसी ने कार्रवाई करी है एक बिल्डिंग के ऊपर। जो मुमरा मार्केट के अंदर से जो रास्ता जाता है वहाँ पर एक मस्जिद आती है और एक स्कूल भी है, उसके जस्ट पीछे एक इनलीगल काम था, बिल्डिंग का काम चालू था, उसके ऊपर कार्रवाई टीएमसी ने करी है। और कार्रवाई मतलब इस तरीके से करी है कि उसकी, जैसे कि आप देख सकते हो कि उसकी छत और उसकी दीवारें अंदर की सब मतलब तोड़ दी गई है, कार्रवाई की गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि मुमरा कौसा के अंदर जो भी बिल्डिंग इनलीगल है और जो भी बिल्डर लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो अवैध काम हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जगह पे काम हो, चाहे कहीं भी हो, तो अब जो है म्यूनसिपालिटी ने और टीएमसी ने कमर कस ली है कि हाँ, अब जो है इनके ऊपर कार्रवाई करना है। जैसे कि वादे के मुताबिक कि ईद के वजह से बंदोबस्त था, ईद के वजह से मतलब नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ईद का वक्त ख़त्म हो गया है और उसी तरीके से लेके उसी चीज़ को लेके और अब उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है और आगे भी कार्रवाई चालू रहेगी, बंद नहीं होगी। जितने भी इनलीगल काम ईद के दौरान हुए हैं सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं लालू मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँगा, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।